कंगना रनौत का ऐलान, करण जौहर नहीं है पद्मश्री के लायक, उनसे उनका पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। जी हाँ, कंगना रनौत ने करण जौहर, जिनको वो ऑलरेडी नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर बता चुकी है, उनके लिए अब कंगना रनौत ने कहा है कि करण जौहर को भारतीय सरकार ने जो पद्मश्री अवार्ड दिया है वो पद्मश्री अवार्ड उन्हें नहीं देना चाहिए और उनसे वो अवार्ड छीन लेना चाहिए, क्योंकि करण जौहर जिस तरह की फिल्में बनाते हैं और जो हमारी कंट्री की शान इंडियन एयरफोर्स की इंसल्ट करते हैं, उसे नेगेटिव दिखाते हैं, उस इंसान को गवर्नमेंट को सम्मानित नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना से। ये जो फिल्म है गुंजन सक्सेना पर बेस्ड है और कहा जाता है कि गुंजन सक्सेना जो है वो इंडिया की पहली एयरफोर्स पायलट है। लेकिन अब इस पर भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई यूजर्स हैं जिन्होंने कहा है कि गुंजन सक्सेना नहीं बल्कि श्री विद्या राजन एयरफोर्स की पहली फीमेल पायलट बनी थी, जो कि उधमपुर में गुंजन सक्सेना की बैचमेट थी। श्री विद्या ने डिक्लेयर किया है कि वो पहली पायलट थी जिसने कारगिल के लिए उड़ान भरी थी, ना कि गुंजन सक्सेना ने। इसके साथ ही श्री विद्या ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि फिल्म में जो आर्म रेसलिंग सीन्स दिखाए हैं वो भी पूरी तरीके से झूठे हैं और इस फिल्म में झूठ ही झूठ दिखाया गया है। वेल, अगर ऐसा है तो फिर करण जौहर ने तो पूरी हिस्ट्री को ही बदल दिया और उनकी ये फिल्म ही पूरी गलत थीम पर बन चुकी है। और यही कारण है कि इस पोस्ट पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि करण जौहर का पद्मश्री फिर से ले लिया जाए। करण ने मुझे ओपनली थ्रेट किया है, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर, कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। करण ने सुशांत का करियर बर्बाद किया। इसके अलावा उरी अटैक्स के टाइम पर करण जौहर ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और अब करण ने ऐसी फिल्म बनाई है जो कि इंटरनेशनल है और जिसने हमारी आर्मी को एक नेगेटिव फॉर्म में दिखाया है। यही कारण है कि अब कंगना रनौत चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट करण जौहर से पद्मश्री छीन ले, उन्हें कोई हक नहीं है इतना सम्मान दिया जाने का। बल आपको क्या लगता है, करण जौहर से पद्मश्री छीनना चाहिए या नहीं? आप कंगना से सहमत है या करण जौहर से? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।